वेलकम टू न्यू ब्लॉग, होप यू गाइज आर फाइन, आई एम आलसो फाइन। सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। कदे खुश होना, कदे गमां च जिंदगी लंघा लेना, आही थोड़े बहुते हैं जिंदगी का हिस्सा, तो इन्ना की है जिंदगी का किस्सा। तो अज आंगे अपना शहर उड़ीसा, शहर नहीं स्टेट आ है ना इंडिया की कोई। तो अपना स्टे किया वा गुरद्वारा सिंह सभा भुवनेश्वर, तो अपने पिछे गुरद्वारा गा है ना। कल सवेरे 5 बजे आए थे, तो अज तरीक आ गई 5/4 आए थे। तो मैं थोड़ा जहा बीमार से ना, तो करके मैं कलकत्ते तो भुवनेश्वर तक के सफर की वीडियो नहीं बना सकिया है ना। चलो तुसी आ वीडियो इंजॉय करो। तो एक गल कह, सुकून मिले गुरुद्वारे आके, एक कोई शब्द ही नहीं है यार। आप जर्नी स्टार्ट की गुरुद्वारा साहिब तो है ना, तो आप अज की जर्नी च सैकल भी यूज़ करा, बट हूँ नहीं शाम को करा क्योंकि हम दोपहर हो रही है ना। तो सब तो पहला जाना असी राणी बहार बस स्टैंड, इतों का बस स्टैंड आ। तो इतने सब तो ज़्यादा प्रसिद्ध आ मूह बस, तो आ हरी जी बस है ना, तो एक ब्लू जी मूह बस कहते हैं, तो काफ़ी फेमस ने। तो साड़ी बस का नंबर आ 21, कोई 21 दस रहा, कोई 28, कोई 20। हुण तक बहुत स्टेट दियां बसां दे ट्रैवल कर लिया है ना, तो अज करांगे उड़ीसा दी बस च ट्रैवल। तो आ बस आ मूह बस, ये बस च वाईफाई फ्री आ ना, ऑन द बोर्ड इंटरनेट चलता गा। तो मोस्टली इत्थे कंडक्टर ने फीमेल, तो यह बहुत वधिया गल आ, मर्दों के बराबर औरतों भी हक मिल रहे हैं ना, जॉब मिल रही ने, प्रोवाइड की जा रही। तो बहुत वधिया गल लगी, तो यह फीमेल कंडक्टर ने इतों के हूँ ये बस में सैनिटाइज कर रहे हैं गे। तो फिर प्रोपर सैनिटाइजेशन तो बाद बस च एंट्रांस देंगे सानू, तो असं उतरे हैं ना बस चो। कितने दे लो 15 रुपये एक टिकट, 3 जने 45। तो देखो 9 किलोमीटर है, तो 9 पहुँच गए अपना खंडागिरी दे बस स्टॉप दे। मैं फीमेल कंडक्टर नु गया इत्थे बस रोक दे, तो हुण चलदे आं आपां इत्थों दीआं गुफावां देखण, ते वीडियो देखी चलिओ, इतिहास भी दसो थोड़ा जिहा मैं उड़ीसा दा। तो इन्हां दी भाषा च है ना, जिवें असीं उतरेंगे खंडागिरी स्क्वायर, तो स्क्वायर नूं छको बोलते आ छको। हुण पीवांगे आपां नारियल पानी, तो जिवें मैनूं है ना लोड आ इम्यूनिटी बूस्ट करन दी, तो नारियल पानी बहुत वधिया रहिंदा, तो उह पीने आ। आपां ने लै लिया कोकोनट वाटर, ओहो ते हुण इहनूं ट्राई करदे आं टेस्ट किवें दा आऊगा। लास्ट टाइम पीता सी लास्ट साल, कैंट आ पैसा वसूल आइटम। आपां आ गए सी बाप साहब दे ठिकाने दे ना गुरु घर, ते इस तों बाद होर भी थावां घुमावांगे। ते उस तों पहलां मैं तुहानूं दसदा एक वधिया वैबसाइट दे बारे, जिस दे उत्ते कि तुसीं शॉपिंग करके आपदे पैसे कैशबैक लै सकदे हो, तां मैं तुहानूं दसदा। तां तुहानूं सीधी मुद्दे की गल दसदा है ना, यह हैगा कैश करो, सब तो बड़ा प्लेटफॉर्म शॉपिंग वाला जिस ते कि तुसीं कैशबैक लै सकदे हो, क्योंकि अजकल सारे ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो तुहाडे वास्ते प्लेटफॉर्म बहुत वधिया रहूगा। कैश करो इंडिया का नंबर 1 शॉपिंग कैशबैक वैबसाइट है ना, जिथे कि तुहानूं शॉपिंग के नाल नाल डिस्काउंट भी मिलता, तो उत्थे ही कैशबैक रिवार्ड भी मिलते हैं। इस वैबसाइट में रतन टाटा जाने माने बिजनेसमैन ने इंडिया के, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हो, जो कैश करो वैबसाइट तो कैशबैक मिलेगा ना, उन्होंने सीधा अपने बैंक अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हो, या उसमें एमेजॉन के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते। डिस्क्रिप्शन लिंक हैगा, डाउनलोड कर लो, साइनअप कर लो, तो जो भी तुम साइनअप करोगे तो 25 रुपये तुरंत मिलने। उस तो बाद किसी भी स्टोर से जाके तुम शॉपिंग कर लो है ना, ज फॉर एग्जाम्पल जिम्मे एमेजॉन के स्टोर से चले गए, ऑरेंज बटन दबो तो उत्तर शॉपिंग के नाल डिस्काउंट तो मिलेगा, पर जो कैशबैक कमाओगे माई अर्निंग सैक्शन के डिस्प्ले हो जूगा, तो उन्होंने सीधा तुम अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। एमेजॉन मैंत्रा वर्गे 1500+ स्टोर ने ये, तो जल्दी तो जल्दी शॉपिंग करो, इस ऐप को डाउनलोड करो है ना, तो कैशबैक कमाओ, तो जल्दी डाउनलोड कर लो इस, लिंक डिस्क्रिप्शन चा। 6 hours later
हर थान से हर अनजाण चीज़ ना लई दे नहीं फाने तो आप लाते एक तीर दो निशाने वो किमें लाए आ जड़ा नारियल पानी है ना ये मिलता खोपा पहला पानी पी सकते हैं तो बाद चो इन्हों तो कटा के ना टाकूए खोपा खा सकते हैं किमें आ टेस्ट आ कच्चा कच्चा जाऊँगा मैनू खादा मैं अपने पिछे ने खंडा गिरी तो उदयगिरी दियाँ गुफावं इत्थे पहला जैन मठ रहे करते सी ना तो पहाड़ की चोटी दे उत्ते पत्थरां नूं कट के यह केव्स बनाईयां गईयां ने। मैं तो अज तक बस सरहंद दियाँ इस साल सुरंगां देखदे सी आम खास बाग दियाँ ना तो ऐतकी इत्थे भी दर्शन किए आपां ने। दर्शन तो कहदे किहड़ा कोई इतिहासक चीज़ है बट फिर भी काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आर्ट आ ना जिहड़ा आर्ट नूं आपां कदे नकार नहीं सकदे तो काफ़ी घेंट इहदी मैं गल करदा सी तां इह आर्ट पत्थरां नूं कट के बनाए गए ने उस टाइम च अज तो 700 साल पहला जो कि ड्रिल नहीं सी कटर नहीं सी है ना तो उदो इन्नी वधिया आर्ट किया इन्होंने आसी ने फोटोग्राफर हायर किया गा ये लै गया सातों 300 रुपया तो आप भी एक अद्धी फोटो क्लिक करवा ही लीए तो बाद चो फोटोग्राफर की स्टोरी दसूँगा तुहानू की बनी कैमरे वाली की इहदा कैमरा इन्हें फोटो खिचाइया ये तो लै गया 50 रुपये 10 फोटो दे मैं लुट देने जिवें आगरे वाले ब्लॉग च कहा सी ना कैमरा भी सोडा होगा एक पॉइंट सब पर खिंचन वाले लै जाएंगे दिस इज नॉट फेयर। सारिया गुफावां चों मेन इहनू कहा जांदा इहदा नाम हाथी गुफा एलीफेंट केव ना तो इहनू कहा जांदा ते काफ़ी घंट तो हानू इतों का एक अनोखा फैक्ट सुना नहीं मैं दिखा ही हाँ 10 रुपये केले लो तो इन्हों खवाओ फिर मोडे पर बह के फोटो खिचाओ ले एजुकेटड मंकीस हाँ देखो भाई प्रगट दी एडवेंचरस लाइफ बंदे ने बंदर बिठाए नहीं गए लोग तो कहते ने टूल से बंदर बिठाना प्रगट ने मोडे से देखो बंदे का की एडवेंचरस होना क्या यार आई नहीं कोई चढ़ूगा अपने देखे सरते चढ़ गया तो ये सीगिया गुफावं उदयगिरी ते खंडागिरी दियाँ तो इतों का इन्ना की ब्लॉग बनया मैनू कोई खास नहीं लग्या यार दिल तो रिव्यू कर रहे हैं पैसा वसूल नहीं सी गर्मी बहुत ज़्यादा हैगी बुरा ही हाल आ बट फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं गे उड़ीसा दे सड़कों के हुण वापस आपदे टिकाने वल वधदे होए असीं ते इत्थों बस लैती 21 नंबर आ बस का माहौल आ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਸੀ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਮੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਰਸਗੁੱਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਮਚਾ ਦੇ ਨਾ ਭਈਆ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਦਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਪਪਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਸਨੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਟੇਸਟ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਚੀਨੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਡਬਲ ਜੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਔਡਰ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਧੀ ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਖਾਧੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਂ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਵਾਪਸ ਉੱਧਰ ਨੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਮਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਏ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਜੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਨਪਥ ਰੋਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਸੀ। ਦਹੀਂ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਯਾਰ ਐਸੀਡੀਟੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਡਾ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਦੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਫ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਾਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਮਾਸਕ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਐਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ 27 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਮਾਸਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਂਗਲਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ ਆ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮਿਠਾਈ ਹੈ, ਰਸਗੁੱਲਾ, ਖਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਵਰਗੀ ਕਿਤੇ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਸ ਇਹ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੜਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਆਹ ਦਾਲ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਸਬਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਠੇ ਦੀ ਆ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਦਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਰੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਬਸ। ਆਹ ਬਲੌਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ 'ਚ ਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਉਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ।